हेलो यूट्यूब। और आज हम जिस गाड़ी के सामने खड़े हैं उसका नाम है हीरो होंडा पैशन प्रो। 2011 मॉडल है पैशन प्रो का। और दिसंबर 2012 में हीरो होंडा जो अलग हो गई थी पूरे रूप से, और उसके बाद से हीरो पैशन प्रो बना रही है। लगभग 26 साल की इनकी हीरो होंडा की एक साथ काम करते थे 26 साल तक। ये जो गाड़ी है बहुत ही बढ़िया दिखती है, बहुत ही सॉलिड बिल्ड है, लेस वेट है, हल्की गाड़ी है और इसको इजीली कोई भी चला सकता है। मैं आपको इसके इंजन की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो कि है 97 CC का और लगभग 8.5 BHP की पावर देता है और 8 Nm का टॉर्क देता है ये इंजन। और लगभग 84 का एवरेज बोलती थी कंपनी, पर लगभग 60 से 70 के बीच का एवरेज देता है ये। और थोड़े इन्फॉर्मेशन के लिए हम बढ़े हैं इसकी तरफ, तो इसमें APDV इंजन इग्निशन सिस्टम आता है, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस प्रो सीरीज डिजिटल वेरिएबल इग्निशन सिस्टम, जो कि हीरो होंडा द्वारा बनाया गया था और अब जो हीरो के पास ही है पूरा, जिससे कि गाड़ी जो है बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। इसमें सेल्फ स्टार्ट भी है और किक स्टार्ट भी है, सेल्फ स्टार्ट के लिए है और किक स्टार्ट भी है इसमें। ये इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है जो कि पूरा स्वाइप होता है, और एक ट्रिप मीटर है, साथ में फ्यूल इंफॉर्मेशन है और किलोमीटर्स है, जो कि 21,991 बता रहा है। और यहाँ पे थोड़े बहुत लाइट्स, हॉर्न और इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स हैं। ये इसका इंजन 4 स्पीड ट्रांसमिशन में आता है इसका इंजन, जो कि चारों गियर पीछे की तरफ लगते हैं। यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन भी दी गई है, जो कि कंपनी द्वारा लगाई गई थी, अभी भी लगी हुई है इसमें। और तो इसके टायर्स है भी कंपनी फिटेड टायर्स ही हैं, स्टॉक टायर्स है इसमें, और एलॉय व्हील्स है इसमें। साथ में आगे पीछे दो ही ड्रम ब्रेक आते हैं। अब तो बहुत ऑप्शन हो गए हैं पैशन प्रो में। पैशन प्रो एक्स प्रो भी आती है, जिसमें कि आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी मिल जाता है। पैशन प्रो में भी डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है, पर ये उस समय की है जब हीरो होंडा साथ में थे और उनकी अलग ही बहुत मजबूत और बहुत बढ़िया गाड़ियाँ बनाते थे। ओल्ड इज गोल्ड हमेशा होता ही है, वही बात है इसमें भी। जब हीरो होंडा साथ में थे तो बहुत बढ़िया काम करते थे। ये पूरी ओरिजिनल गाड़ी है, देखिए आप, ये हीरो होंडा की बैजिंग है यहाँ पे, और जो कलर है वो भी पूरा ओरिजिनल ही है, हल्का बहुत जो है फेड हो चुका है। यहाँ पे पैशन प्रो की बैजिंग भी दी गई है और कार्बोरेटर के साथ आती थी और अभी भी कार्बोरेटर के साथ ही आती है ये। इसमें और कोई सा ऑप्शन नहीं है फ्यूल का। ये इसका फ्यूल टैंक है, जो कि 12.5 लीटर का है। बहुत अच्छा फ्यूल टैंक है इसका, बहुत बड़ा फ्यूल टैंक है। बचपन से 60,000 के बीच में आती थी ये गाड़ी, और 5 साल की इंजन वारंटी कंपनी देती थी, साथ में एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलती थी इसके साथ। हीरो की गाड़ियाँ हमेशा बहुत ही लाइट वेट और अच्छा एवरेज देती है, ये इसी बात का सबूत है जो कि हीरो होंडा ने साथ में शुरू किया था। तब हीरो होंडा साथ में थी, तब ये दो ही का एक ही मकसद था कि ये ऐसी गाड़ी बनाए जो सबके पास पहुंच सके, जो फैमिली के लिए कंफर्टेबल हो और साथ में अच्छा एवरेज भी दे, ताकि हमारी जेब पे ज़्यादा असर ना पड़े। साथ ही इसका मेंटेनेंस भी बहुत सस्ता है, जो कि बहुत कम कॉस्ट लगती है मेंटेनेंस में, सर्विसिंग में। मैं आपको इसका एक स्टोरेज बॉक्स भी दिखाता हूँ जो कंपनी द्वारा दिया गया है। यहाँ चाबी लग जाती है, 2 सेकेंड। ये इसका स्टोरेज बॉक्स है जो कंपनी द्वारा दिया गया है, अच्छी सी स्टोरेज है, ताकि आप आपका थोड़े बहुत कागज़ के सामान और बाकी चीज़ें रख सकें। इसे मैं बाद में लगा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। और अंडर सीट स्टोरेज भी मिलती है इसमें, जो कि यहाँ से खुलती है, यहाँ चाबी लग जाती है और इसको हम घुमाएंगे और पीछे की तरफ एक हुक दिया हुआ है, इसको हम अगर पुल करते हैं तो इसकी सीट जो है वो खुल जाती है।
अभी कोई इशू आ रहा है, बाकी खुल जाती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कैसा लगा आपको मेरा? और थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे ही देता हूँ आपको, थोड़ी दे रहा हूँ, तो मैं इसकी टायर की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो कि रियर में है 3.0 तीन इंच के 3.00-18 और मैकविल से ये जो कि डनलॉप के हैं, जो कंपनी फिटेड ही अभी भी, जो कि गाड़ी बहुत कम चली है तो ओरिजिनल टायर्स ही डले हुए हैं, इसमें थोड़े बहुत क्रैक्स भी आ गए हैं। और जो आगे का टायर है वो है, वो भी डनलप का ही है, 2.75-18 18 इंच का टायर, ये भी अलॉय व्हील ही है और ट्यूबलेस टायर से धोई है, जो कि अच्छी कंडीशन में है, अभी भी चल सकते बहुत कुछ। तो कैसा लगा आपको मेरा ये रिव्यू, मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।